बड़ी खबर रतलाम से मिल रही है, जहां आतंकी साजिश में लिप्त रतलाम के दो आरोपियों को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। एनआईए की टीम ने राजस्थान आतंकवादी साजिश मामले में जो सरगना है उसे पकड़ा है। दो वांटेड जो भगोड़े हैं, जो भाग गए थे, एनआईए की रडार पर थे, उन्हें पकड़ा है। रतलाम के रहने वाले मोहम्मद यूनुस साखी और इमरान खान उर्फ यूसुफ को जयपुर एनआईए कोर्ट में अब पेश किया गया है। आरोपी रतलाम के पोल्ट्री फार्म में आईडी बनाने की ट्रेनिंग देते थे। आरोपियों के आईएसआईएस कनेक्शन की भी जांच हो रही है। गिरफ्तारी से पहले मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान सक्रिय रूप से आईएसआईएस विचारधारा को फैलाने में लगे हुए थे। एनआईए ने इसके पहले आरोपियों के कब्जे से आईडी के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक सामग्री को भी जब्त किया था, और दोनों ही व्यक्तियों ने राजस्थान और भारत में अन्य जगहों पर आतंक और तबाही फैलाने के इरादे से आईडी बनाने के लिए सामग्री खरीदी थी। आईडी बनाने के लिए वेल ट्रेंड है दोनों आरोपी, जिसे एनआईए ने एक बड़ी उपलब्धि एनआईए की, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड इमरान खान के पोल्ट्री फार्म में अपने साथियों को ऐसे उपकरण बनाने का प्रशिक्षण ये देते थे, ट्रेनिंग देते थे। पोल्ट्री फार्म को एनआईए ने पिछले महीने ही कुर्क किया था, और ये आरोपी पिछले साल मुंबई भाग गए थे, बाद में पुणे में चले गए थे। पिछले साल पुणे में दो आईडी ट्रेनिंग और निर्माण कार्यशालाएं भी इन्होंने की थी। और क्या जानकारी इस पूरी खबर पर, ज्यादा अपडेट के लिए हम रुख करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी का। इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई है अमृतांशी। जिस तरह से पहले भोपाल से एचयूटी आतंकियों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद जबलपुर में एनआईए की टीम दबिश देती है, और अब ये जो दो आरोपियों को एनआईए की टीम ने पकड़ा है, ये तो बड़ी उपलब्धि है एनआईए की। क्या अपडेट जानकारी मिल रही है इस पर? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान आतंकवादी साजिश मामले में जो है सरगना और दो वांटेड आरोपियों को, जो हम कह सकते हैं भगोड़ों को, यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और ये दोनों का ही मध्यप्रदेश कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस साकी और इमरान खान उर्फ यूसुफ को जो है जयपुर एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ही रतलाम के रहने वाले थे, ये रहने वाले रतलाम के हैं, यहाँ पर जो है ट्रेनिंग देते आईडी बनाने की यहाँ पर, और पोल्ट्री फार्म के अंदर जो है ये पूरा विस्फोटक सामग्री का निर्माण कर रहे थे। आरोपियों के फिलहाल आईसीएस के कनेक्शन की जांच जो है वो निकाली जा रही है, लेकिन रतलाम से ये दोनों ही आरोपियों को जो है, संदिग्ध आतंकवादियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है और एनआईए की कोर्ट में जयपुर में पेश किया गया है। देखिए, इन पर ऐसा आरोप है कि ये सक्रिय रूप से आईएसएस की विचारधारा को फैलाने में लगे हुए थे, साथ ही साथ आईडी जैसे जो बम विस्फोटक जो सामग्री है वो बनाने में भी जुटे हुए थे। दोनों ही जो आतंकवादी हैं संदिग्ध, ये प्रेरित सूफा संगठन से थे, और ये सूफा की जो विचारधारा है कि इस्लामिक देश बनाना है, कट्टरवादी संगठन की बात कैसे जो है युवाओं में फैलानी है, इसको लेकर कामकाज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एनआईए को एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आगामी समय में एक बड़ी जो है हम कह सकते हैं ये जो संगठन रहते हैं ये बड़े प्लानिंग में रहते हैं और बड़ी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दे सकते हैं, तो इनकी गिरफ्तारी होना एनआईए के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल ठीक है आपने, अमृतांशी बहुत शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए, विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। एनआईए ने बड़ी सफलता हासिल की और रतलाम के रहने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।